हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैंने आप सबके साथ कभी शेयर नहीं की है, एंड दैट इज़ माय रूम, एंड दैट इज़ टोटली प्राइवेट। मैंने पूरी इंस्टा फैमिली से एंड ऑलवेज आपसे दूर रखा है उस चीज़ को, पर आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई गॉट सो मेनी कमेंट्स कि मैम एक बार रूम टूर कर दो। तो ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। आज वो दिन आ गया है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि बहुत मेहनत लगी आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बहुत छोटे से रूम में हमने अपना मेकअप भी स्टार्ट किया था, उसी मेकअप के थ्रू आज हमने अपना रूम बनाया है, बहुत सुंदर सा, जो मुझे चाहिए था। मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए था सो दैट मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ। तो कम इन, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मेरा बेस्ट प्लेस है, जो मेरा हैप्पी प्लेस है। तो कम इन, 12 seconds later, come in fast. सो दिस इज माई रूम, एंड ये वो रूम है जिसकी आप लोग भी वेट कर रहे थे और मैं भी वेट करती थी आपको शो करने के लिए। आई एम लिटल लेट, बट इट्स नेवर टू लेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरे रूम की फर्स्ट लुक कैसी लगी गाइस। तो माई यूट्यूब फैमिली, ये रूम टूर में मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कहाँ से मैंने क्या किया और मेरे माइंड में क्या आइडिया था वाइल मेरा जब मेकअप ये रूम रेडी हो रहा था। पता नहीं मेरे मुंह से हमेशा मेकअप 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 निकलता रहता है, बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो अभी लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, एंड ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे हर एक चीज़ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई क्लोजेट, एंड इसकी मैं आपको शक्ल अंदर से बिल्कुल दिखाना नहीं चाहती, बिकॉज ये इतना मेसी हुआ पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाऊंगी जैसे कि आजकल चल रहा है, बट वो आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा, बिकॉज जब मेरे कारपेंटर ने मुझे ये बोला कि मैम ये ऐसी जगह है जो आपके रूम में हर कोई आ सकता है तो आपको ये चीज़ क्लीन रखनी चाहिए, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी आ गया कि पुराने घर में मैं ऑलवेज कपड़े डालती थी फेंकती थी, कपड़े डालती थी फेंकती थी, तो सेम वे यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई इसको मैंने टोटली कवर किया, एंड ये जो ग्लास है दिस इज़ ऑफ वाइट इन कलर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमने बहुत मेहनत की, बिकॉज जो कारपेंटर्स मतलब जो मिरर वाले हैं एंड कारपेंटर्स हैं उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी जान लगाई, बिकॉज वो मेरा मेकअप स्टूडियो ऑलवेज रेडी करते थे और इनको पता है कि मैम इज सो पर्टिकुलर। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आई हमें ये करने के टाइम पे कि जो कलर है वो सबसे पहले आया ब्लूइश वाइट कलर होता है ना, जो वो कलर आया, एंड वो मेरे माइंड से जा नहीं रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि नहीं मुझे अपने रूम में एक भी गलती नहीं चाहिए। सो ये दोबारा आया है मिरर, पूरे का पूरे ये दोनों मिरर दोबारा आए हैं, ग्लास मतलब, एंड ये दोबारा से बने हैं। अंदर इसके प्रॉपर यहाँ पे कपड़ों का सेक्शन है, ड्रॉर्स है, नीचे बिग ड्रॉर है, ये मैं सिर्फ बाहर से बता सकती हूँ। छोटी सी गंदी सी झलक, नहीं इस साइड नहीं उस साइड, ये ज़्यादा गंदा है। ओके, तो थोड़ा सा ही दिखाना। हाँ सी, हाँ वेरी बैड सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं ये नहीं दिखा सकती। ये बहुत ही फनी पार्ट है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको सभी को मैनेज करूँ। अभी एक्चुअली हमारे घर पे जैसे ये जो जून जुलाई के मंथ्स होते हैं ना, यहाँ पे सर्वेंट्स मिलते ही नहीं है, सो कुछ भी करने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो दैट्स फाइन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वॉशरूम, एंड वो बड़ा ही खुफिया रास्ता है, और मैंने एक कंसेप्ट सोचा था वॉशरूम के लिए, एंड दैट वॉज दिस वन, पिंकी पिंकी कलर में एंड थोड़ा क्रीमी कलर में, एंड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो क्या वो ऐसा थोड़ा बहुत दिखता है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड मुझे पर्टिकुलर में हूँ ऑलरेडी, बहुत पर्टिकुलर हूँ हर एक चीज़ में, सो लेट्स सी कि जैसे मैंने सोचा था वैसे वो आया मेरे लिए, तो वो डेफिनेटली वैसा आया था। प्लीज़ कमेंट। तो आइए, हमारे वॉशरूम में आपका स्वागत है। सो दिस इज माई वॉशरूम, एंड डिस्प्ले में टीवी भी लगा रखा है, बट ये वो टीवी है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, नॉट इवन एक बार भी अभी तक यूज नहीं हुआ, टाइम ही नहीं है। तो इट्स गुड कि आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फ्री रहना भी बहुत बड़ा टास्क है, तो दैट्स वाई आई एम हैप्पी। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, इतने पैसे लगे हैं तो दैट्स वाई। सो नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द पिक्चर ऑफ दिस रूम कि मुझे कैसा चाहिए था और कैसा ये आया है। सो पहले ही मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे पिंक कलर में अपना रूम चाहिए था, बट वो पिंक कलर में बिल्कुल नहीं बना। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारी बेडशीट्स जो हैं पिंक के साथ जा ही नहीं रही थी, उसके साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर जा रहे थे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि लेट्स गो टू डिफरेंट कलर, एंड जो थीम थी दैट वॉज दिस वन, ये वाला।
सो ये था मेरा लाइट पिंकिश कलर वाला रूम एंड आप देख सकते हैं अभी रूम में कि माय रूम इज ऑलमोस्ट द सेम, बेड इज टोटली सेम एंड इसमें छोटा टेडी रखा है, मैंने बड़ा टेडी रखा है एंड बेडशीट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम. सो दिस इज ऐसी चीज़ जो थोड़ा लाइवली रख रही थी, जो थोड़ा ब्राइट रख रही थी मेरे रूम को, तो दैट्स वाई ऑप्टेड फॉर दिस क्रीम कलर. एंड सब कुछ मुझे था कि एक ही टोन में जाना है, कि ज़्यादा टोन्स नहीं रखनी है, तो दैट्स वाई मैंने ये फाइनलाइज किया. एंड क्रीम कलर मैंने इसलिए भी फाइनलाइज किया बिकॉज एक और रूम था जो मैंने देखा था, तो उसमें सब कुछ क्रीम क्रीम देख के मुझे लगा नहीं साक्षी आपको इसी के लिए ही जाना है, इसी के लिए ही जाना है. जो मेरी इंटीरियर वाली थी शी नोज एवरीथिंग, साक्षी इज़ वेरी पर्टिकुलर, इसको यही चाहिए. सो दैट्स वाई उसने मेरी इतनी हेल्प करी, मैंने इसकी इतनी जान खाई, उसने मेरी हेल्प करी, मैंने फिर जान खाई, फिर हेल्प करी. सो तब ये मेरा रूम ऐसे निकल के आया. ओके तो अभी मैं आपको इस टेडी बियर की कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे टेडी बियर का बहुत शौक था, बट रूम में स्पेस नहीं थी, तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी टेडी छोटे छोटे के अलावा. तो मैंने सोचा था कि जब भी रूम बनेगा एक बड़ा टेडी बियर आएगा, और ये टेडी बियर बेचारे को मैं टाइम नहीं दे पाई. इसका हमने नाम रखा था टेडू, पापा और मैंने मिलके इसका नाम रखा था. जब फर्स्ट डे मैंने रूम में एंट्री मानी थी, उससे पहले ही मैं जाके ये टेडी बियर खुद खरीद के आई हूँ. दिस इज नॉट एट ऑल अ गिफ्ट, पापा की तरफ से कह सकते हैं. एंड ये बड़ा ही क्यूट सा टेडी बियर है, इसका थोड़ा मोटू सा पेट है, ये रोज़ मेरे साथ सोने की ट्राई करता है, पर मैं इसके साथ सो नहीं पाती हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू मतलब थकावट के कारण, कि हाँ यार साक्षी सो जा यार, ना इधर सोचो ना उधर सोचो. ओके तो अभी ये थी इसकी कहानी मेरे टैडू की. और अब इसके बाद हमारा जो बेड है, इसकी शेप देख रहे हैं आप, कि मतलब थोड़ी सी टफ है. जो हमारे कारपेंटर्स थे बेचारों ने इतनी मेहनत करी, कभी ये ऊंचा हो रहा था, कभी ये चौड़ा हो रहा था, कभी वो मुझे पर्टिकुलर फाइन शेप नहीं दिख रही थी. सो मैं अगेन आई सेड कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो मैंने उसको बोला मेरे को नहीं पता कि मुझे एग्जैक्ट सेम चाहिए. उन्होंने वो जो पिक्चर थी उसी को ही कॉपी किया, बड़ा बड़ा किया, उसी के साथ ये प्रॉपर ट्रेसिंग की, उन्होंने बहुत मेहनत करी. और मैंने उसके बाद बेड को देखना छोड़ दिया, मैंने कहा अगर मैं इसको देखती रहूँगी तो मैं पॉइंट आउट करती रहूँगी. सो दैट वॉज द टाइम जो थोड़ा टफ टाइम था, बिकॉज ऑब्वियसली जब सारा रूम रेडी होगा तो क्या रह गया, सिर्फ बेड ही तो रह गया ना, तो वो भी मुझे पर्टिकुलर चाहिए था. तो दैट्स वाई ये इतना सुंदर निकल के आया, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई. तो जब ये रूम बन रहा था, तो मेरा दिमाग एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी काम करता है, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट के दिमाग में ऑलवेज ये चीज़ होती है कि यार मेकअप ऑलवेज नीट करना है. तो मैं इस चीज़ में भी इतनी परफेक्टली मुझे चीज़ें चाहिए होती है कि जो भी मेरी चीज़ है ना वो परफेक्टली नीट लगे. सो ये रूम मेरे को उसी अकॉर्डिंग वैसा नीटफुल चाहिए था. एंड उसी के लिए हमने साइड में दो ड्रॉअर्स रखे थे, और ये ड्रॉअर मेरा थोड़ा हेल्पफुल है बिकॉज सिर्फ यही कॉर्नर है जहाँ पे मैं सोती हूँ, वो वाले कॉर्नर में मेरा अभी तक कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है. एंड इसमें काफ़ी स्टफ है, मतलब खाना पीना छोटा, मतलब वेट वाइप्स एंड ऑल. समटाइम्स मैं कभी रात को आ रही हूँ तो फिर क्या कहते हैं, मुझे मेकअप क्लीन करना होता, तो वेट फाइव स्टफ इज देयर. इस पाउच में मेरा सब कुछ है, मतलब पूरे नाइट केयर का सामान है. मैं निकालती हूँ, थोड़ा सा यूज करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ. एंड अगर आपको मेरा नाइट केयर रूटीन पूछना है ना, तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये नाइट केयर जानना है कि नहीं जानना है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. सो दिस इज माई लिटिल सा पाउच, एंड ये ट्रांजी है, मुझे सब कुछ दिख जाता है कि इसमें क्या मिसिंग है क्या नहीं है. सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट दिस. तो ये थी थोड़ी बहुत मेरी दिमाग वाली चीजें कि यार ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट ये वॉल के लिए मैंने पर्टिकुलरली अपने इंटीरियर पे छोड़ा था कि मुझे ये कैसा चाहिए. बट स्टिल मैंने फिर नहीं छोड़ पाई, आपको पता है मैं फिर नहीं छोड़ पाई. मैंने एक पिक्चर फिर उनको दिखाई थी कि आई नीड माई टीवी सेक्शन लाइक दिस ओनली, एंड वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. आप सोच रहे होगे कि साक्षी कितनी पर्टिकुलर है, बट हाँ दिस इज हाउ आई एम, कि इन चीज़ों को लेके मैं पर्टिकुलर थी. बिकॉज पता है घर एक ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं बनते हैं, और इसमें तुम्हें होता है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग तुम जितना उस चीज़ को अच्छा कर पाओ, जितना उस चीज़ को प्रेजेंटेबल कर पाओ, तुम हमेशा उस पर मेहनत करते हो. एंड हम मेरे मतलब मेरे आँखों के सामने, मतलब पापा ने तो दो घर बनते हुए देखे, पर मेरी आँखों के सामने पहला घर था बनते हुए जो मैं देख रही थी. तो मेरे को एक एक इंच एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माई नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू बजट. एंड हर किसी का एक बजट होता है, बट हम उसमें ही सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं कि यार इतने बजट में मुझे ऐसा सा चीज चाहिए है. तो वही चीज हमने यहाँ पे फुलफिल करने की मतलब कोशिश की है, और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए और बजट हाई हो रहा तब भी ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है. मैं सेटिस्फाइड हूँ थोड़ी अपनी लाइफ में कि हाँ अगर ये नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं. ऑलवेज आई ट्राई टू चेक आउट पिंटरेस्ट.
तो पिंटरेस्ट एक ऐसी मुझे ऐप लगती है जहाँ पे सब कुछ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हें न्यू न्यू आइडियाज आ सकते हैं. सो पिंटरेस्ट वॉज द क्या कहते हैं कि मतलब मेरा एक क्या कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग वाला लेफ्ट हैंड बन गया था उन डेज में. सो या दिस इज द पिक्चर फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम. द टेबल ये वाला काउंटर इज टोटली द सेम. वास यहाँ पे रखा था, मैंने भी वास रखने की कोशिश की थी बट ट्रांजी वास मुझे मिला नहीं था. बट नाउ आई रूम अराउंड एंड आई सी देर आर सो मेनी वासेज इन द मार्केट और ये बिल्कुल वैसा ही है. मुझे फ्लोर भी थोड़ा ब्राउनिश एंड ग्रेइश ब्राउन में चाहिए था, सो वो भी एग्जैक्टली सेम ही करवाया. सो ये ही था इस टेबल की कहानी एंड दिस इज माई पिक्चर. ये मेरे लास्ट बर्थडे की पिक्चर थी और एक मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लीज़ मेरे को जल्दी जल्दी विश करना ऑन 7th of July. इट्स कमिंग ऑन 7th of July. अगर ये 7th July के पहले वीडियो डलेगी तो डू कमेंट मी एंड इंस्टाग्राम पे भी डू विश मी. और ये था, ये हमने बंजारा मार्केट से लिया था, ये बहुत ही सुंदर मुझे पीस लगा था एंड दिस वॉज वेरी चीप. मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि यार ज़्यादा पैसे लगाने हैं, मुझे कि चीज़ अच्छी हो, चाहे वो मैं बहुत कॉस्टली लगाने पर बिलीव नहीं करती हूँ. एंड ये एंड दिस इज़ इन द मेमोरी ऑफ माई ऑगी. एंड मे बी आप सबको पता होगा कि ऑगी मेरा एक बड़ा क्यूट सा जान था और मुझे उसकी बड़ी याद आती है, बड़ा प्यार है मेरे को उससे, अभी भी है. अभी भी मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले और मैं उसको हग करूँ और हमेशा वो मेरी लाइफ में स्टे करे. एक ही बात का दुख है कि इस लाइफ में मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पाई. वॉच इज़ देयर, वॉच चाहिए थी. रोज़ उठती हूँ तो मैं मोबाइल में टाइम नहीं देख पाती हूँ बिकॉज लाइट जो है मेरी आँखों में पड़ती है, तो ये वॉच मैंने हमेशा रखी हुई है. छोटे से बुद्धा जी रखे हुए हैं, ये एक गिफ्ट के साथ आए थे तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन करके यहीं पे ही रख लिया, प्लेस कर लिया. एंड दिस इज़ माई फुल फैमिली पिक्चर. वॉल्स पे तो मैं नहीं लगाना चाहती थी पर मैंने इसको फ्रेम में लगाया है. दिस इज़ मी एंड ये मेरा ऑगी है. ये मेरे छोटे होते की पिक्चर है, माई दादी एंड हिमांशु. अब देख सकते हैं हिमांशु से ज़्यादा मैं ही क्यूट थी. हाँ, अब ये हमारे बड़े उगते की पापा मम्मा हिम्मी एंड मी. दिस इज़ माई होल लाइफ इन दी वन फ्रेम. एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्यूट सा एक वास है जिसमें मैंने एक ब्लूइश टर्कोइश कलर के अपने रखे थे. एंड ये मेरा एंटरटेनमेंट जोन टीवी. आई थिंक मैंने ऑन ही नहीं किया है, रुको हाँ ऑन करके आया. सो अभी हम टीवी ऑन कर रहे हैं. पता है पहले ना एक सीरियल था अनुपमा, क्या रेड़ती थी मैं वो सीरियल. मेरा पूरा टब्बर उसको देखता था, पूरा का पूरा खानदान, हम सारे इकट्ठे बैठ के देखते थे. और वो हॉटस्टार पे सुबह 6:30 बजे ही लाइव हो जाता था, तो जो शाम को आने वाला था हम सुबह 6:30 या 7 बजे उठ के देख लेते थे बिकॉज हम सारे ना बहुत उठते थे, जल्दी उठते थे. बट अब जब से अपना रूम मिला है मैं उतनी लेजी हो गई हूँ, मैं 8:30 से पहले उठती नहीं हूँ. अगर मेरी बुकिंग्स है तो आई हैव टू गो एट 4 also 5 also, बट अगर बुकिंग्स नहीं है ना तो मैं बहुत लेट उठती हूँ. और मुझे वो चीज़ बुरी लगती है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं लेट उठूँ, बट क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती. तो अभी ये टीवी आ गए हैं जो कि सिर्फ नेट के साथ कनेक्ट होते हैं आजकल, एंड इसमें तुम्हारे पास वो रेगुलर सीरियल्स देखने वाली ऑप्शन नहीं होती है. तो मैं अगर कभी बोर होती हूँ, अगर कभी, वैसे तो मैं बहुत रेयर इसको यूज़ करती हूँ, तो अगर मैं बोर होती हूँ तो या तो मैं यूट्यूब पे गाने सुनती हूँ. सुबह सुबह तो मैं उठने के बाद यूट्यूब पे गाने ही सुनती हूँ और उसके बाद हम चलाते हैं अपना नेटफ्लिक्स. अरे बाप रे, अरे कनेक्टेड नहीं है अभी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. अगर इसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना तो आई यूज़ ओनली माई फ़ोन एंड फ़ोन से ही मैं इसको कनेक्ट करती हूँ. एंड दिस इज़ कनेक्टेड, ये हिमांशु के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो ही गया है. नेटफ्लिक्स का स्वागत है, नेटफ्लिक्स आ रहा है. मैं ना नेटफ्लिक्स पे बहुत रेयर चीज़ें देखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरीज़ नहीं देखती हूँ. उसका रीज़न ये है कि जब मैं सीरीज़ देखना शुरू करती हूँ फिर मुझे होता है कि मेरे को 2 दिन में इसको ख़त्म करना है, जैसे मर्जी हाओ. तो मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं होती ज़्यादा. तो आई लव टू वॉच मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़. अभी कल ही मैंने एक मूवी देखी है जिसका नेम है वॉर ऑफ वर्ल्ड्स. एंड पहले मुझे लगा बड़ी धांसू मूवी होगी, फलाना होएगा टलाना होएगा. ठीक है, एवरेज मूवी थी, वन टाइम वॉच था, बट इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल. बट आई स्टिल वॉच टिल 1:30 AM. That's why I wake up at 8:30. चल जाना यार. तो ये हमारी जर्नी थी वैसे, जो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया. और इस जर्नी को, मतलब जर्नी तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगे. हालांकि आई टोल्ड यू पहले कि आई एम सैटिस्फाइड
पर्सन ऑलरेडी, मतलब सेटिस्फैक्शन इन सेंस ऑफ नॉट इन वर्क में, जस्ट मतलब लाइफ में, कि ठीक है अगर इतना है तो हमें इससे भी काम करना है एंड ऑल, बट काम में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है. मुझे होता है और करना है, यहाँ तक करना है, ये करना है, ये परफेक्ट चाहिए. सो आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल. तो ये हमारा नेटफ्लिक्स ऑन हो गया है. अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, ट्रेंडिंग में भी चल रही हैं, और बस ठीक है. पर मैं अपने टीवी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता है. सबसे ज़्यादा आई लव टू इन्जॉय सॉन्ग्स, पर वो सॉन्ग्स वो होने चाहिए जो मैं सुन चुकी हूँ ऑलरेडी. सो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब है, दैट इज़ माई ड्रेसिंग रूम. एंड उसमें भी मैंने बहुत जी जान से मेहनत करके बनाया है, सोचा है, और मेरे इंटीरियर ने सबसे इंटीरियर जो पर्सन है उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है. क्योंकि मैं उनको बताती थी मुझे ऐसा चाहिए, वो मुझे वैसा पोर्ट्रेट करके दिखाते थे, साक्षी ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारे लिए मैंने ये भी सोचा वो भी सोचा. वो बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने सोची, एंड आई रियली लव द कंसेप्ट शी मेड. सो अभी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको थोड़ी सी झलक अपने ड्रेसिंग रूम की. बट इतनी भी जल्दी क्या है, हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इसके लिए करती हूँ, बट ओनली ऑन योर रिक्वेस्ट. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस, एंड आई वुड लव टू शो यू माय ड्रेसिंग रूम आल्सो. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय रूम टूर, एंड आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और आपने सोचा भी होगा कि हाँ यार मैम बड़ी पर्टिकुलर है, उसको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हाँ तो मैं हूँ ऐसी. तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वॉच माय ऑल द यूट्यूब वीडियो for lovely content and makeup also. So many knowledgeable videos मैं आप सबके लिए डालती हूँ. And subscribe my YouTube channel right now. Comment कि आपको ये video कैसी लगी. Bye. नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दैट इज माई वॉशरूम, एंड दैट इज मोर प्राइवेट पार्ट, बिकॉज वो एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं. नहीं, बकवास कर रही हूँ, डिलीट कर दोगे. अब क्या बोलूँ. एंड ये जितना मैं आपको साफ साफ दिखा रही हूँ ना, ये इतना साफ नहीं था. ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सामान उठाया, इधर से उधर किया है. तो मानोगे ये बेड पे हाफ पे मेरे कपड़ों का पहाड़ था और वो हाफ बेड पे मैं सो रही थी, क्योंकि बस मेरे पास मैनेज करने का ही टाइम नहीं मिला था. बट आप सबके लिए, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट, मैंने इनफैक्ट हाफ डे में मैंने सारा सामान पहाड़ सब कुछ उठा दिया. मेरे पापा रोज आके, बेटा पहाड़ उठा लो, पहाड़ कपड़ों का पहाड़ था. ऑलमोस्ट मैं आपको सारा रूम दिखा सकती चुकी हूँ. वो तो तुम कर लेना यार.